नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ट्वेल्थ क्लास मैथ से डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर 11.2 पार्ट 7 और आर डी शर्मा से है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है इस वाले पार्ट में। वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर कैसे करोगे? लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखो। तो आप क्या करोगे, वाई का होता है डीवाई ओवर डीएक्स। ये देखिए आपको सभी फॉर्मूले याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा पार्ट 7 से पहले, ठीक है। तो ये देखिए कॉस के बाद एक्स आता है, एक्स की जगह उसने ये पूरा मटेरियल पकड़ा दिया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। साइन एक्स कौन सा वाला? जो एक्स की जगह उसने जो पकड़ाया था, क्योंकि कॉस के बाद एक्स आता है ना, कॉस के बाद एक्स आता है तो एक्स ये पकड़ाया उसने, ऐसे पता करेंगे एक्स ये पकड़ाया, ठीक है। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन ये वाला एक्स, जो एक्स जो मैंने सर्कल किया था वही वाला एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर जो मैंने सर्कल किया था उसका मल्टीप्लाई अगेन कर देना डिफरेंशिएशन में, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए मैंने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखाया था, लॉग एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखाया था, एक्स की पावर एन से लिखाया था। इसे एक्स मान लोगे आप, अब इसे एक्स मान रहे हो इस वाले सर, ठीक है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या लिखाया था? जो पावर आती है आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई लॉग, ठीक है। और इसकी पावर कितनी बचेगी? लॉग एक्स की पावर बचेगी आपकी 1, एम की पावर ये देखिए एक्स की पावर एन से जो पावर होती है आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई, और इसकी पावर इसमें से एक माइनस कर दोगे 1। आप जैसे एक्स मान रहे थे उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, लॉग एक्स का होता है 1/x। ये देखिए आप लेवल से सेट कर दीजिए इसे, माइनस 2 आगे रखोगे, 2 × 2 इंटू लॉग एक्स लिख लो ये वाला, इंटू साइन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में चल रहा है एक्स, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 57 वाई इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन कैसे करोगे? ये देखिए लॉग के फॉर्मूले से करोगे, अभी इसे वाई इक्वल टू लॉग। अब क्या करोगे, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, याद रख लेना। लॉग के कुछ फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ, लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला होता है, यानी ये एम है ये पावर एन है तो एन आगे आ जाता है इंटू लॉग एम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग एम अपॉन एन, जैसे ये अपॉन में एन है तो आप क्या करोगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो वही अप्लाई करूँगा, वाई इक्वल टू 1/2 आ गया जाएगा, लॉग एम की पावर एन से 1/2 आ गया जाएगा इंटू ये लॉग एम बचेगा, और इसमें भी एम अपॉन एन है तो इसमें भी क्या करोगे, ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा ये वाला। तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, क्लियर है। अब लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 लॉग, इसे एक्स मान लोगे, लॉग एक्स का होता है 1/x। इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे इसका मिलेगा 1 और इसका हो जाएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो वही रहेगा, इसलिए ऐसा ही सेम टू सेम रहने दो। माइनस फिर लॉग, इसे एक्स मानोगे, लॉग एक्स का होता है 1/x ये पूरा एक्स, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे इसका 1 मिलेगा, इसका हो जाएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये रहेगा यही, ठीक है। इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम किया जाएगा माइनस प्लस वाला, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, एक्स प्लस वन ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस है ना, तो माइनस अंदर की साइन को चेंज कर देगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो माइनस एक्स, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन से करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या हो रहा है, माइनस एक्स से प्लस का एक्स गया, 1/1 कितने हो गए 2, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 1/2 तो चल रहा है ऊपर, क्या हो गया 1/1 2 हो गया अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही रहता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका राइट आंसर आएगा 1/x² माइनस के 1, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 58 है वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। तो ये देखिए लॉग के बाद एक्स आता है, ये पूरा आपका एक्स गिवन है, तो लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, जो एक्स दे रखा है पूरा की पूरा वही नोट कर दोगे, एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। अब जो आप एक्स मान रहे थे जो सर्कल कर रहे थे उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना, ब्रैकेट में कर रहा हूँ, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में वही चीज़ जो गिवन थी, इसका डिफरेंशिएशन रूट के अंदर जो चीज़ गिवन थी उसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे मल्टीप्लाई में, इसका कितना होगा एक्स का होता है 1 और इसका कितना हो जाएगा 0, 0 को दिखाने की जरूरत नहीं, माइनस की 0, ठीक है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट में वही चीज़ जो गिवन है, लेकिन शर्त ये है रूट के अंदर जो चीज़ गिवन थी उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देना है, एक्स का कितना होगा 1 प्लस और 1 का 0, प्लस 0 को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे 1/√
एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन चल रहा है, मल्टीप्लाई वन वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन। अब क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम में टू सेम है दोनों के पास, तो एक बार आएगा। अब ये अलग अलग हैं, सेम अलग अलग हैं ना ये वाले, तो एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन, ये देखिए एलसीएम ले लिया मैंने, टू रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, ये यहाँ चला जाएगा। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, रूट एक्स माइनस वन से ये गया, ये बचा, ये यहाँ पे आ जाएगा वन के पास, रूट एक्स प्लस वन यहाँ पे आ गया, माइनस टू से टू गया एक्स प्लस वन, रूट एक्स प्लस वन से ये गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन। ये देखिए अब यहाँ पे करना क्या है आपको, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी है, ये देखिए रूट एक्स माइनस वन, ये यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, रूट एक्स प्लस के वन, ऐसा क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू जितनी सेम आ जाएगी, जैसे नीचे वाली वैल्यू ये चल रही थी, रूट एक्स माइनस वन चल रहा था माइनस रूट एक्स प्लस वन चल रहा था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो क्या चल रहा था, नीचे टू चल रहा था रूट में, ये देखो ये भी रूट में था ये भी रूट में था, एक बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ये सेम टू टू ये चीज़ कट गई, तो ऊपर की बच रहा क्या है माइनस के वन बचा, अपॉन में क्या चल रहा है टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वन, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कट गई ना आपकी, तो माइनस वन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बचा, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन, लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट में वही चीज, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे इसका वन और इसका जीरो, वन का मल्टीप्लाई से करोगे तो वही रहेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट में वही चीज, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे इसका इसका वन, वन का मल्टीप्लाई से करोगे वही, इसका जीरो कोई मतलब नहीं है, तो क्या कॉमन आ रहा है वन अपॉन टू वन ले सकते हो, वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम में क्या जाएगा रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन, ये यहाँ पे जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, और आगे करना चाहो तो आगे कर दो, इसका फॉर्मूला बना सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है रूट में, तो ए स्क्वायर एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लाई हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है रूट के अंदर, इसे दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका, यहाँ तक छोड़ सकते हो, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 60 वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस के टू, लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले फॉर्मूले से कर दोगे, ठीक है, न्यूमिनेटर यानी न्यूमिनेटर से कुछ नहीं किया ना, फॉर्मूला देखो क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू से कुछ नहीं किया ना मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, फिर माइनस, और ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं किया ना मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन, और प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू का क्या होता है टू के अपने आप में कॉन्स्टेंट, इसका क्या होगा जीरो अपॉन डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अभी देखो करोगे क्या, वन का मल्टीप्लाई से करोगे तो ये रहेगा एक्स प्लस के टू, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई वन से करोगे माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर चल रहा है, एक्स एक्स कैंसिल गया टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 61 वाई इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, इसके नीचे वन मान लोगे तो इसे और सॉल्व करते जाइए, लॉग एलसीएम में रूट एक्स आ गया, रूट एक्स का मल्टीप्लाई इससे करोगे पूरा एक्स हो गया, वन वन जब वन ये आ गया, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, रूट एक्स का मतलब इसकी पावर वन बाई टू, वन बाई टू, और लॉग एम की पावर एन का होता है वन बाई टू, कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो इसे आगे सॉल्व कर लोगे बाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस इसकी पावर वन बाई टू है ना, रूट का मतलब होता है वन बाई टू आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स की पावर
एम का फॉर्मूला होता है जो पावर होती है लॉग में आगे आ जाती है, डिफरेंशिएशन नहीं लॉग के फॉर्मूले में। अब लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, इसका अगेन क्योंकि एक्स की जगह था ये एक्स प्लस वन, इसका अगेन करोगे एक्स का होता है वन, वन का मल्टीप्लाई से करोगे ये रहेगा, इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू का जीरो, तो कोई मतलब नहीं है। वन अपॉन टू लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, तो बस कर दो इसे वन अपॉन एक्स प्लस के वन माइनस वन अपॉन टू एक्स, यहाँ तक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, बाई इक्वल टू रूट वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स, कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू किसी रूट का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इसे मान लो होता है वन अपॉन टू रूट में वही चीज़ जो दे रखी है आपको, ठीक है, वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस ई की पावर एक्स, लेकिन शर्त ये आप रूट के अंदर जो चीज़ दे रखी है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ब्रैकेट में करेंगे। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाले फॉर्मूले से नीचे वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, वन का होता है जीरो और ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, जीरो को दिखाओ मत, ठीक है, फिर माइनस और ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, इसका होता है जीरो, ठीक है, जीरो को दिखाओ मत, और माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अपॉन नीचे वाली वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, वन माइनस ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली रूट की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, रूट वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में कौन चल रहा है टू, रूट वन प्लस ई की पावर एक्स चल रहा है, ये देखिए। अब यहाँ से चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, ई की पावर एक्स निकालना चाहो तो ई की पावर एक्स निकाल दो, इंटू ई की पावर एक्स निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, इसके पास भी है और इसके पास भी है, ठीक है, तो ई की पावर एक्स निकाल दिया तो क्या बचा इसके पास, वन माइनस ई की पावर एक्स बचा, ठीक है, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस और माइनस के हो जाएंगे, प्लस प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रहेगा वन प्लस ई की पावर एक्स, और अपन में क्या चल रहा है, वन माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, ये देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या करोगे, वन माइनस ई की पावर एक्स इसके पास है, वन माइनस ई की पावर एक्स इसके पास है, इसकी पावर कितनी है वन बाई टू और इसकी पावर कितनी है टू, ये देखिए डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, तो टू में से ये वन बाई टू माइनस कर दोगे, टू में से वन बाई टू माइनस करोगे तो क्या बचेगी थ्री बाई टू, क्योंकि इसके नीचे वन मालोगे टू टू या फोर, फोर में से बन गया तो थ्री, थ्री बाई टू बचेगी, ठीक है, वन और वन कितने हो गए टू हो गए, टू इंटू ई की पावर एक्स, क्योंकि इसको मैं इससे कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस ई की पावर एक्स, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया मतलब पावर को ऐड किया तो क्या बचा, वन माइनस ई की पावर एक्स की पावर कितनी बची थी टू में से वन बाई टू गया तो थ्री बाई टू, यहाँ से टू कैंसिल हो रहा है तो क्या बच रहा है ई की पावर एक्स अपॉन में ये चीज़ चल रही है, यहीं तक छोड़ दोगे आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 63 वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स प्रूफ करना है, टू एक्स इंटू डीवाई ओवर डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसके नीचे वन मानोगे वाई इक्वल टू एल से मजा का रूट एक्स, रूट एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पूरा एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई वन से करोगे वन, क्योंकि रूट एक्स पूरा एक्स हो जाता है, याद रख लेना, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करोगे चैन रूल डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाला, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है, नीचे वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है और इसका कितना होता है जीरो होता है, ठीक है, फिर माइनस और ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई अब नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, किसी भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा पूरा एक्स मिलेगा, तो ये देखिए सॉल्व करोगे तो रूट एक्स बन जाए रूट एक्स, अब यहाँ पे क्या चल रहा है एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स चल रहा है, और अपॉन में क्या चल रहा है एक्स चल रहा है, ठीक है, इसके नीचे वन मान लेना आपको, तो एलसीएम क्या आ जाएगा टू रूट एक्स, ये यहाँ पे जाएंगे रूट एक्स पूरा एक्स और टू ओ भी आ जाएगा टू एक्स हो जाएगा, और वन का मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वन हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा था एक्स चल रहा था। अब ये देखिए क्या करोगे, यहाँ से टू एक्स में से एक एक्स जा रहा है, ठीक है, टू एक्स में से एक एक्स गया तो एक एक्स बचा माइनस वन अपॉन में ये नीचे इसकी अपॉन की चीज़ नीचे आ जाएगी टू एक्स इंटू रूट एक्स, ये देखिए
अब उसे क्या चाहिए था प्रूफ में, 2x उधर चाहिए था dy ओवर dx के पास, ठीक है। ये dy ओवर dx चल रहा है आपका, ये 2x है ना, उधर मल्टीप्लाई करेगा देगा, डिवाइड कर रहा है तो उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 2x इंटू dy ओवर dx। इस वाले रूट एक्स को इसके भी अपॉन में रख दो, इसके भी अपॉन में रख दो, x अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। ये देखिए 2x इंटू dy ओवर dx इक्वल टू, ये देखिए अब इसे x रूट एक्स से x को काटूंगा तो कितनी टाइम्स कटेगा, रूट एक्स बार कटेगा। ऐसा क्यों होता है, कोई भी फंक्शन है जैसे x है इसके, इसका मतलब इसका पास दो रूट है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तभी तो पूरा x होता है, इसलिए इसके पास कितने रूट एक्स हैं, दो, एक कट जाएगा तो एक तो बचेगा, तो रूट एक्स बचा और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स चल रहा है। यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड लिख दोगे, हैंड्स प्रूव्ड, यदि सिद्धम हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, बाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू प्रूव वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। कैसे प्रूफ करोगे ये वाला, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए बाई को होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से करेंगे, नीचे वाली वैल्यू से कुछ नहीं कहना, वन माइनस एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं कहना, मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन। इसमें दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड का भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट से कुछ नहीं किया ना, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। फिर प्लस, अब सेकंड से कुछ नहीं किया ना, साइन इनवर्स एक्स से कुछ नहीं किया ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, क्लियर है। फिर माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं किया ना, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स से कुछ नहीं किया ना, मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट में वही चीज़। तो इसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई थी वन माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर इसका करोगे तो जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हमें माइनस के टू एक्स मिला, माइनस के टू एक्स मिला, और अपॉन में लिख देना है आपको जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा बस खाली आपको, ठीक है। ये देखो ये डिवाइड कर रहा है, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, सीधा सीधा है। तो ये देखिए लिख दोगे यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई, हमें ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये चाहिए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स चाहिए, तो ये देखिए करते हैं इसे भी, ये देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा, क्लियर है। प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब ये देखिए हमें क्या क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गई, एक्स मिल गया, अब हमें बाई अपॉन एक्स चाहिए, बाई की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं, और क्या चल रहा है माइनस, ये देखिए एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स आ रहा है ना, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स किसकी वैल्यू है स्टार्टिंग में, ये देखिए एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स भी है और अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर भी है, अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ से टू कैंसिल कर दूँ, ठीक है। ये देखिए एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और क्या रहेगा, ये देखो ये लिख दिया, ये लिख दिया एक्स और रह गया ये वाला इंटू एक्स इंटू एक्स, ये वाला और रह गया एक्स, ठीक है। अभी देखो ये किसकी वैल्यू है, स्टार्टिंग में हमें जो गिवन थी बाई की वैल्यू, किसकी थी ये बाई की, तो यहाँ पे बस बाई रख देना है, तो बस आपका प्रूफ हो जाएगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए एक्स प्लस, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ एक्स्ट्रा आ चुकी है आपके, ये देखिए इसका क्या करोगे, यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा देखिए, इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसके नीचे मान लीजिए वन, ठीक है, अभी कुछ मत करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब क्या करना है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना आपको, ये देखिए ये चीज़ तो मिल गई थी लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड की चीज़ जो थी लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ वो मिल चुकी थी, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है हमें, एक्स प्लस अंडर रूट में चल रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा वन के साथ, तो साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स ही होगा, इसके साथ करूँगा माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स चल रहा है, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये देखिए क्या बचा आपका, आपका बचा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा। क्लियर है? अभी देखिए इस वाली इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बचा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से एक्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई उधर क्या कर देगा डिवाइड, तो यहाँ पे लिख सकते हो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर रहा था उधर डिवाइड कर देगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इजी चल रही थी इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, लिख लेना वाई इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वाई अपॉन एक्स, बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे बाई अपॉन एक्स लिख दोगे, ये लेफ्ट में क्या चल रहा है ये चीज़ चल रहा है, इससे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था आपको, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन नंबर 64 तो हो चुका, ये प्रूफ कर दिया हमने एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, लेकिन क्वेश्चन नंबर 65 जो है क्वेश्चन नंबर 31 की तरह है, किसकी तरह है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पार्ट नंबर 5 या 4 में कराया था लगभग, उसे चेक कर लेना, बिल्कुल सेम टू है, थोड़ा आगे पीछे होगा, बिल्कुल उसी की तरह ही करना है आपको ये।